हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने आज गोटा पट्टी से एक डिज़ाइन बनाया है। ये मैंने बटन रिंकल पैंट के मैचिंग के लगाए हैं फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये मैंने किस टाइप से बनाया है, तो चलिए देख लेते हैं ये डिज़ाइन हमने कैसे बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं आज बोट नेक में इस टाइप का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये देखिए, मैंने कटिंग कर लिया है और ये नीचे में इस टाइप की दो पट्टियाँ लगाऊंगी फ्रेंड्स नेक के इधर। ये देखिए, ये पट्टियाँ मेरी कैनवास की काटी है मैंने, थोड़ा सा ही कम है फ्रेंड्स, और लेंथ मुझे 10 रखी है। ये देखिए, तो ये मैं दोनों दो पट्टियाँ ली हैं, दो पट्टियों से मैं इसमें डिज़ाइन बना रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाना। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं कपड़े से ये कब कैनवास से अटैच कर लेंगे सेंटर में रखते हुए। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। ये देखिए, छोटे छोटे कट लगाएंगे कहीं कहीं, जिससे कि उसको फोल्ड करने में प्रॉब्लम ना हो फ्रेंड्स। तो चलिए इसको फोल्ड कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये मैं दो पट्टियों पे इससे थोड़ा हाफ हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कपड़ा कट कर ली हूँ। अब मैं इसको फोल्ड कर लूँगी चारों तरफ से, वही मोटे टांके से करना है फ्रेंड्स। दोनों पट्टियों को रेडी कर लेना है इसी तरीके से। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने एक रेडी कर लिया है, इसी तरीके से दूसरी भी रेडी कर लेनी है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं ये दोनों पट्टियों को ये वाली लेस लगा लूँगी साइड साइड में, किनारे में। ये भी मैं मोटे टाके से ही लगाऊंगी फ्रेंड्स, क्योंकि जब मैं गले में लगाऊंगी तब इस पर पक्की सिलाई हो जाएगी, इसलिए मैं कच्ची सिलाई से इसको अटैच करूँगी। ये देखिए, इधर एकदम कोने पे कॉर्नर बनाना है फ्रेंड्स अच्छे से। ये देखिए इस टाइप से। ये देखिए, अब मैं इस साइड भी लगा लूँगी, यानी कि दूसरी पट्टी पे भी लगा लूँगी। ये इस टाइप से लगी है फ्रेंड्स, अब मैं दूसरे साइड भी लगा लेती हूँ। तो चलिए, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी दोनों पट्टियाँ रेडी हो गई हैं। अब मैं फ्रेंड्स गले में भी इसी टाइप से गोटा पट्टी का डिज़ाइन बना लूँगी। तो पहले मैं उसके लिए कैनवास के साइड साइड में थोड़ा एक लाइन करूँगी फ्रेंड्स, जो किनारे किनारे है। ये देखिए इस टाइप से कैनवास के बिल्कुल किनारे किनारे करना है, कैनवास के ऊपर नहीं आनी चाहिए फ्रेंड्स लाइन। ये देखिए इस टाइप से एक, और इस गले के बीच में। तो इसको भी आपको
ऐसे सीधा रखना है, ये उल्टा भाग है फ्रेंड्स, और ये लेस को भी मुझे उल्टा रखना है क्योंकि जब ये सीधी होगी तो ये सीधा हो जाएगा। मगर इसमें आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो ये हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उसके इधर ही आनी चाहिए, तभी हमारी इसमें फिनिशिंग आएगी, नहीं तो फिनिशिंग नहीं आएगी। एकदम ध्यान से करना है फ्रेंड्स, आराम आराम से, जल्दबाजी नहीं करनी है। ये देखिए जो ये हमारी सेंटर की सिलाई है, ये सेंटर में ही आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है। ये देखिए, और आराम आराम से खींचना नहीं है, लेस को घुमाते हुए लगा लेना है बस। सिलाई वो जो जो हमारी लेस की सिलाई है वो सेंटर में आनी चाहिए, तभी ये डिज़ाइन बहुत प्यारा बन के निकलेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, और लेस को हमेशा ढीले हाथ से लगाना है, नहीं तो खींच जाएगी लेस और डिज़ाइन बनेगा नहीं। ये देखिए इस टाइप से, ये इस टाइप से लगा लेनी है। अब हम इसको कपड़े पे अटैच करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने शोल्डर का सेंटर कर लिया है ये वाला, और ये मैंने गले का सेंटर कर लिया है, और अब हम ये दोनों सेंटर मिलाते हुए ये मैं उल्टी साइड लगा रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये फोल्ड होकर सीधी साइड आ जाएगी, ये मैंने लेस लगाई है तो। और अब हमें ध्यान रखते हुए सेंटर में पहले एक सिलाई लगा देंगे, वो भी मोटी होगी तो चलेगी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेंटर में ही रखना है। और अब कैनवास के किनारे किनारे सिलाई लगानी है फ्रेंड, कैनवास के साइड साइड में सिलाई को लगा देना है। ये देखिए, ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कटिंग कर लेंगे कपड़े को। थोड़ा लेस भी कटती है तो काट लीजिए, नहीं कटती है तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स। अब हम इधर कट लगाएंगे फ्रेंड्स, सभी जगह छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, और अब इसको फोल्ड कर लेंगे ये देखिए इस टाइप से। तो उससे पहले हमें क्या करना है फ्रेंड्स, फोल्ड करने से पहले जो मैंने जो दो पट्टियां बनाई थी ये देखिए इस टाइप से, वो मुझे इधर लगानी होगी ये देखिए। तो ये मुझे सेंटर बना लेना होगा पहले, ये देखिए जो ये हमारी डिजाइन का सेंटर है ये वाला, इसके मैं एक लाइन लगा लेती हूँ सेंटर के लिए। ये मैंने लाइन लगा ली है फ्रेंड्स, इसका मुझे सेंटर पता चलेगा, और मैं इसको अब अटैच कर लेती हूँ ये देखिए इस टाइप से। और ये मुझे इस टाइप से नाप लेना है, ये मेरा दबना चाहिए ऐसे, नहीं तो वो हमारा अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स, दबेगा नहीं तो। ये देखिए ये दब रहा है, तो हमें इसी टाइप से लगा लेना है ये देखिए। और इसका भी ध्यान रखना है, पीछे से दबना नहीं चाहिए, अगर वो दब गया तो फिर फोल्ड करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, एकदम किनारे किनारे सिलाई चलानी है। ये देखिए फ्रेंड्स, एक पट्टी मैंने लगा ली है और एक और लगानी है तो उसको भी लगा लेते हैं, करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये भी देखिए मैंने कट किया है, ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, जो ये वी बनाया है इसी टाइप से वी बनाया है मैंने। और अब हम इसको ये देखिए ऐसे लेस को मिलाते हुए लगा लेंगे पट्टी को सेम साइज में। नीचे भी हम देखेंगे एक बार, चेक करेंगे, सेम होनी चाहिए, छोटी बड़ी हुई तो अच्छा नहीं लगेगा फ्रेंड्स। देखिए सेम आ रही है, तो अब हम इसको लगा लेंगे। ये देखिए ये मेरा लग के रेडी हो गया है, ये देखिए इस टाइप से।
अब हम इसको देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप से फोल्ड करेंगे, ये देखिए इस टाइप से। तो चलिए कर लेते हैं फ्रेंड्स, अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे ये पट्टियां लगाने के बाद। ये देखिए इस टाइप से, इस पे जैसे हम नॉर्मल गले पे सिलाई चलाते हैं उसी टाइप से सिलाई चलाएंगे। जहां पर हमें फ्रेंड्स फोल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उधर अच्छे से कट लगाएं, कट लगाने से वो आराम से फोल्ड हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा इस टाइप से लेस लगकर रेडी हो गई है। और थोड़ा थोड़ा निकालते हुए ये देखिए इस टाइप से फ्रेंड्स, किनारे किनारे सिलाई लगानी है। जिस टाइप से वो घूम रहा है उस टाइप से ही लेस को घुमा देना है। ये देखिए, बड़े ध्यान से और फिनिशिंग से लगानी है फ्रेंड्स। ये देखिए इस टाइप से, जैसे जैसे हमारी पट्टी मूव कर रही है वैसे ही हमें लेस को भी मूव करना है और थोड़ा ध्यान भी रखना है फिनिशिंग का। सिलाई तिरछी विरछी नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स। लगा रही हूँ ना पिन लगाई हूँ फ्रेंड्स, ना कच्चा की हूँ। ये देखिए एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे फ्रेंड्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये मेरा गला बन के रेडी हो गया है।